Hey! Steering wheel, somebody tell him to give it to me. F1 कार के स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का नर्वस सिस्टम माना जाता है और ये सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट की तरह काम करता है। आजकल के कॉम्प्लेक्स स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर की एक्सेसिबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को काफी इंप्रूव करते हैं। हर टीम के स्टीयरिंग व्हील्स की फंक्शनैलिटी को हम सिमिलर और यूनिक दोनों कह सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील में ऐसे कंट्रोल्स हैं जिससे रेस के टाइम कार की परफॉर्मेंस को कार के इंजीनियर्स रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और कॉन्स्टेंटली ड्राइवर्स को अपडेट भी करते हैं। कार के ऑलमोस्ट हर टेक्निकल एस्पेक्ट को इस स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। नए ड्राइवर्स को भी इसीलिए कार के कंट्रोल से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, स्पेशली अगर वो F2 से F1 में प्रमोट हुआ हो या पर्टिकुलर टीम चेंज की हो। जैसे रेडबुल की कंट्रोल सेटिंग मैकलरन के कंट्रोल सेटिंग से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। किसी भी स्टीयरिंग व्हील में इरेस्पेक्टिव ऑफ टीम बेसिक कंट्रोल सेम होते हैं, जिसमें बटन्स, रोटरी डायल, स्विचेस, पैडल्स, LEDs और स्क्रीन को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हर टीम के पास फ्रीडम ऑफ इनोवेशन होता है, जिससे वो नए फीचर्स टेक्नोलॉजिकल एज पाने के लिए अपने कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं। ये यूनिक फीचर्स टीम टू टीम डिफर भी करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में F1 कार की स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स और पर्पस के बारे में बात करेंगे। सो, आपका ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क वीडियो है, सो, अगर देरी हो गई हो तो माफ़ी। और हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसे वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। DRS मोस्ट कॉमन बटन जो हर F1 कार में आपको दिखेगी। इस बटन से कार की एरोडायनामिक्स अल्टर करी जाती हैं, जिससे ड्रैग रिड्यूस हो जाता है। ड्राइवर इस बटन को DRS जोन में ही यूज कर सकते हैं। पिट लेन, ये बटन्स ड्राइवर पिट एंट्री या फिर एग्जिट करते समय दबाते हैं। पिट लेन में कार की स्पीड फिक्स रहती है, जो अराउंड 60-80 किलोमीटर पर आर ट्रैक सर्किट के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। इस बटन से कार की स्पीड फिक्स हो जाती है जब तक कार पिट लेन में है। पिट कन्फर्म, रेडियो पे क्रू से बॉक्स 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 सुनते ही ड्राइवर्स पिट कन्फर्म वाली बटन दबा के पिट स्टॉप करने का अक्नॉलेजमेंट क्रू को दे देते हैं। न्यूट्रल, F1 कार की स्टीयरिंग व्हील में न्यूट्रल बटन भी प्रोवाइडेड किया जाता है, जिससे ड्राइवर कार को किसी भी गियर से न्यूट्रल पे ले आ सकते हैं बिना पैडल डाउनशिफ्ट करें। और दो बार दबाने पे ये रिवर्स की तरह भी काम करती है। रेडियो, जैसा कि नाम सजेस्ट ही करता है कि ये बटन ड्राइवर और पिट क्रू के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। रेस स्टार्ट, इस बटन को ड्राइवर रेस की स्टार्टिंग में मैक्सिमम पावर सेटिंग अचीव करने के लिए यूज करते हैं। ये थोड़ा लॉन्च कंट्रोल टाइप काम करता है। ऑयल बटन, कार को जरूरत पड़ने पे इंजन में एक्स्ट्रा फ्यूल ट्रांसफर करने के लिए ये बटन यूज किया जाता है। रोटरी डायल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन्स स्टीयरिंग व्हील पे ये रोटरी डायल्स होती हैं। हर टीम इन्हें अपने अपने तरीके से सेट कर सकती है। इसमें मल्टीपल रोटरी बटन्स आते हैं, जैसे स्टार्ट, HPP, टॉर्क, टायर, बाइट। टीम इंजीनियर्स कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से प्रेजेंट मैपिंग करते हैं और अकॉर्डिंगली हर सिचुएशन को डील करने के लिए कार की स्टीयरिंग पर डिफरेंट सेटिंग इंस्टॉल करते हैं। पावर मोड डायल्स, ये कई टाइप के मोड्स को इंडिकेट करता है, जिसमें इंजीनियर्स प्री डिटरमाइंड सेटिंग्स रखते हैं। 10 से भी ज़्यादा मोड्स, जैसे फ्यूल कंजम्पशन यूनिट, टायर परफॉर्मेंस यूनिट, वेट टायर्स, इंजन एनर्जी मैनेजमेंट, MGUK, ओवर हीटिंग, फेल सेफ, पहले से इंस्टॉल रहता है। इन सभी का कंट्रोल मैनेजमेंट इंजीनियर्स ड्राइवर को रेडियो के थ्रू रेस के टाइम देते हैं कि उन्हें किस सिचुएशन में कौन से बटन और कौन से डायल्स प्रेस करनी चाहिए। ये सेटिंग्स ट्रैक टू ट्रैक और टीम टू टीम डिफर करती हैं। इन सभी मोड्स के पैरामीटर को ड्राइवर्स अपने क्रू के कहने पर रेस के टाइम भी चेंज करते हैं। इन पैरामीटर्स के एग्जाम्पल हैं जैसे रेडियो वॉल्यूम, LED लाइटनिंग और ओवरहीटिंग कम करने के लिए पावर यूनिट अल्टर करना, काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम इंक्रीज या डिक्रीज करना, टॉर्क ऑप्टिमाइजेशन एक्सेट्रा। इंजन ब्रेकिंग, ये रोटरी बटन इंजन ब्रेकिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। इस बटन के ऑप्टिमम थ्रॉटल और गियर शिफ्ट सेट होते हैं, जो लैप कॉर्नर्स या मिड टर्न्स में ऑन ब्रेकिंग कार को स्लो करते हैं। कार की इंजन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लैप टर्न्स में वो एडजस्ट करते हैं और वेट शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। ब्रेक बायस और ब्रेक बैलेंस, ब्रेक बैलेंस भी एक स्क्रॉल नॉब है,
टाइप ऑफ रोटरी डायल, जो ब्रेक्स के सेटअप को रियर एंड फ्रंट टायर्स के बीच इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता रहता है। ये सेटअप चेंज स्टैटिक या डायनेमिक हो सकते हैं, यानी कि रियर और फ्रंट ब्रेक के बीच में जो एडजस्टमेंट है ब्रेक का, वो टर्न्स टू टर्न्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका यूनिक एग्जांपल मर्सिडीज में दिया स्पेशल बटन ब्रेक मैजिक बटन है, जो स्टेयरिंग व्हील के बैक साइड पेडल्स के ऊपर लगा है। इस स्टैटिक ब्रेकिंग को एक्टिवेट करते ही ब्रेक्स बैलेंस रियर से फ्रंट टायर में फुल्ली शिफ्ट हो जाता है और फ्रंट व्हील रिम्स हीट अप हो जाती हैं। इस बटन का यूज़ रेस स्टार्ट से पहले या सेफ्टी कार के टाइम करते हैं, ताकि टायर्स का टेम्परेचर ऑप्टिमम रहे और ओवरहीटिंग से बचा रहे। रिसेंटली 2021 सीजन के बाकू जीपी में आपने लुइस हैमिल्टन को टर्न वन पे ऑफ ट्रैक हो जाते हुए देखा होगा। इसका रीज़न था हैमिल्टन का गलती से ब्रेक मैजिक बटन एक्टिवेट करना, जिसकी वजह से टर्न वन पे फ्रंट ब्रेक्स लॉक हो गए थे और गाड़ी ऑफ ट्रैक चली गई थी। डिफरेंशियल एडजस्टमेंट, डिफरेंशियल बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए भी मल्टीपल स्क्रॉल नॉब्स स्टेयरिंग व्हील पे लगे होते हैं। इन नॉब्स का काम डिफरेंशियल सेटिंग को एंट्री, मिड या एग्जिट पे रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। ड्राइवर कार में राइट बैलेंस इंश्योर करने के लिए अप्रोप्रिएट कॉर्नर पे डिफरेंशियल स्पीड राइट टायर से लेफ्ट या फिर लेफ्ट टायर से राइट शिफ्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार लेफ्ट टर्न ले रही है तो टायर ड्रैग अवॉइड करने के लिए डिफरेंशियल राइट साइड शिफ्ट कर दिया जाता है, एंड वाइस वर्सा। कितना टाइट डिफरेंशियल बैलेंस होना चाहिए ताकि हाई स्पीड और लो स्पीड कॉर्नर पे ओवरस्टीयर या अंडरस्टीयर ऑब्टेन हो सके, इसका एडजस्टमेंट भी ड्राइवर इन बटन से करते हैं। ओवरटेक या पुश बटन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पुश बटन या ओवरटेक बटन दबाने से ड्राइवर को ओवरटेक करते वक्त या अपने को दूसरे से ओवरटेक होने में बचाने के लिए हाइब्रिड पावर के साथ इंजन बूस्ट प्रोवाइड करता है। एनर्जी रिकवरी, इस बटन से ड्राइवर कार की एनर्जी को बैटरी में स्टोर करके रिकवर करने के लिए एक्टिवेट करते हैं। टीम इंजीनियर के इंडिकेशन के बाद ये ब्रेक से निकली हुई एनर्जी जो MGUH में स्टोर होती है उसमें यूज़ की जाती है, और सही समय आने पे ये इंजन को ऑप्टिमम बूस्ट प्रोवाइड करता है। पेडल्स स्टेयरिंग व्हील के बैक साइड में लगे होते हैं, जिससे ड्राइवर गियर अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट करते हैं। रेस के एक लैप में ऑलमोस्ट अराउंड 50 अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट हो जाती हैं। LED लाइट डिस्प्ले नॉर्मली स्टेयरिंग व्हील के सेंट्रल स्क्रीन के ऊपर लगी होती हैं, जो नॉर्मल कार्स के एनालॉग टैकोमीटर का डिजिटल रिप्लेसमेंट है। ग्रीन और रेड लाइट RPM लेवल डिफाइन करती हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर को अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट करने में आसानी मिलती है। स्क्रीन, LCD स्क्रीन डिस्प्ले सेंटर में होता है, जिसमें कार के सारे पैरामीटर डिस्प्ले होते हैं, जैसे लैप टाइम, करंट गियर, बैटरी, चार्ज स्टेट एंड DRS एक्टिवेट एक्सेट्रा। मार्क बटन एक्टिवेट करने पे कार के कॉन्टिन्यूस डाटा रिकॉर्डिंग पे मार्कर लग जाता है। अगर कोई फॉल्ट आता है तो सेंसरी लोकेशन के द्वारा उस पोजीशन पे एक मार्कर लग जाता है, जो आगे उस फॉल्ट को एनालाइज करने में काफ़ी मदद करता है। टॉर्क, इस बटन से ड्राइवर रियर और फ्रंट व्हील के बीच ऑप्टिमाइज टॉर्क ट्रांसफर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री एंड मिड कॉर्नर्स ऑफ द ट्रैक। ड्रिंक, यस, F1 ड्राइवर को एक ड्रिंक का बटन भी अवेलेबल होता है, और उस बटन को दबाने से डायरेक्ट पानी आपके मुंह में पहुंच जाता है, और जैसे कि मैक्स कहते रहते हैं हमेशा, स्टे हाइड्रेटेड। ये सब बातें थी F1 स्टीयरिंग व्हील के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर मुझसे कुछ बातें छूट गई हों और कुछ गलतियाँ हो गई हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो ये भी ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक करना ना भूलें, और हमेशा की तरह सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबा के जाइए। धन्यवाद।